Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. एक तरफ राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी गहलोत और पायलट के रिश्तों को सामान्य करने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी गहलोत सरकार को गिराने की हर संभव कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि राजस्थान में समय से पहले चुनाव हो जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। 25 सितंबर को राजस्थान की सियासत में जो कुछ भी हुआ उसे शायद सत्ता पक्ष भूल गया हो, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसी बात को मुद्दा बनाया। 25 सितंबर को एक साथ 92 विधायक अपना इस्तीफा लेकर एक बस में सवार हुए और विधायक स्पीकर के घर पहुंचे थे। हालांकि अभी तक इन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं। इसे लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, जिस पर कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और उनके सचिव को नोटिस भेजा है। इसे गहलोत पायलट खेमों में खींचतान और प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच बड़ा झटका माना जा रहा है। इसे लेकर जब राजस्थान तक ने राजेंद्र राठौड़ से बात की तो उन्होंने कहा कि राजस्थान जो गुनाहों का प्रदेश बन गया है, यहाँ यदि विधायकों से कोरे कागज पर साइन करवाए जा रहे हैं तो इससे संकीर्ण अपराध कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ये पहली बार हुआ है माननीय अध्यक्ष विधानसभा को एक विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम जो आर्टिकल 208 के अंतर्गत बने हैं और जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल्स 190 है उसके प्रीव्यू में निर्णय लेना ही चाहिए। एक बार मैंने स्वेच्छा से कह दिया कि मैं इस पद पर रहना नहीं चाहता, उपस्थित होकर अगर मैंने हस्ताक्षर से वो दे दिया तो उनको मानना ही पड़ेगा, उनका निर्णय नहीं करना, ये संसदीय परंपराओं के विपरीत है। इसी प्रकार दल बदल याचिका भी जो 6 मान्य बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने बिना अपने पैतृक दल के और उन्होंने विलय किया कांग्रेस पार्टी में, वो दल बदल याचिका आज भी मान्य अध्यक्ष महोदय के पास 2 वर्ष से लंबित है। उसके मामले में भी मान्य उच्च न्यायालय ने 2020 के अंदर 21 अगस्त को 3 महीने में उसको निर्णय करने का आदेश दिया था, जिसको भी पालना मान्य अध्यक्ष जी ने नहीं की। ये एक तरह से संवैधानिक संकट है और मैं समझता हूँ इस पर निश्चित तौर पर न्यायालय में मामला गया है तो उस पर संज्ञान होगा। सर, आखिरी सवाल है, जब ये इस्तीफा वाला पूरा कांड हुआ था अलग अलग संख्या बल सामने आ रहा था, लेकिन कई विधायक खुल के सामने आए, उन्होंने कहा कि हमको तो पता ही नहीं था, हमसे तो कोरे कागज पे साइन करा लिए गए, जबरदस्ती करा लिए गए, वो इस्तीफा था ही नहीं। अगर इस प्रकार की बात है तो उन विधायकों को आकर जिन्होंने उनसे जबरन हस्ताक्षर कराए, कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए, उनके विरुद्ध वाद दायर करनी चाहिए, मुकदमा दायर करना चाहिए। इससे बड़ा गुनाह कुछ हो सकता है? राजस्थान जो गुनाहों का प्रदेश बन गया उसमें ये गुनाह भी होने लग गए कि मान्य सदस्य विधानसभा के वो अगर ये कहे कम से जबरन हस्ताक्षर करवा लिए, ये तो एक तरह से इससे बड़ा संगीन अपराध कोई हो ही नहीं सकता, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से कोर्ट ने डॉक्टर सीपी जोशी को नोटिस भेजा है, अब देखना दिलचस्प होगा कि सीपी जोशी इसका क्या जवाब देते हैं। इसके साथ ही अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या 92 विधायकों का इस्तीफा प्रकरण राजस्थान की सियासत में फिर से सियासी संकट खड़ा कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।